नहीं भाई, मुझे मेरे कल के 3 घंटे वापस चाहिए। मैं नहीं मान सकता कि आरसीबी और केकेआर की स्क्रिप्ट इतनी वन साइडेड और इतनी बोरिंग हो गई। क्या क्या सपने बनाए थे, क्या क्या सोच के गए थे कि विराट और गंभीर के बीच में एक और लफड़ा देखने को मिलेगा। यहाँ से विराट भाई आंखें दिखाएंगे और वहां से गंभीर भाई चलते हुए आएंगे बेन स्टोक्स को याद करते हुए। पर इन दोनों ने तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इयू ब्रदर, इयू व्हाट्स दैट। इतनी ज्यादा हाइप बन रही थी यार इस मैच के लिए। मैंने तो टेलीग्राम पे एक वीडियो भी डाली थी जिसमें गंभीर भाई ने साफ बोल दिया था कि आरसीबी वही टीम है जो जीते एक बार भी नहीं है लेकिन घमंड बहुत ज्यादा रखते हैं, और अगर मैं रिटायरमेंट लेके वापस आऊंगा तो इन्हीं को हराने के लिए। और मैच में विराट भाई ने भी इस बात को सीरियसली ले लिया, शुरू कर दिया पेलना केकेआर को। जैसे ही टाइम आउट हुआ वहां से दिखा कि भाई गौती भाई वॉक करते हुए आ रहे कोहली की तरफ। ये नजारा देख के लग रहा था कि भाई आज तो पक्का WWE होके ही रहेगा पिच पे। लेकिन इन दी एंड क्या मिला हमें? भाईचारा। इससे अच्छा तो एल्विश और मैक्सटन का ही लफड़ा था। मतलब हम तो हाथा भाई का सोच रहे थे, बट यहाँ तो बेन स्टोक्स को भी याद नहीं करा गया, उल्टा हग कर ली दोनों ने। हाथ ना लगाऊं, सीधा मारने। वैसे टॉपिक इतना चुप गया मुझे कि मुझे एक रील बनानी पड़ी इस पे, जाके इंस्टाग्राम पे देख लेना और फॉलो भी मार देना। 100K कराने हैं भाई इस IPL में। भाई यहाँ गौती भाई ने पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी, वरना कोहली भाई तो अपनी मैच फीस पहले से कटवा के आ गए थे इस बारी। सही खेल गए गौती भाई, इससे प्रूव होता है इन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स छोड़ी है, करना आज भी नहीं भूले है। ऑफ फील्ड अफड़े की हाइप बनाकर ऑन फील्ड आके हग दिया लिटरली। मैं बता रहा हूँ यार तुम लोग को, जो जो चीजें पॉसिबल हो सकती थी मैं सब सोच चुका था, पर ये तो मैंने कभी मतलब सपनों में भी नहीं सोचा था ये होगा। जीजी और विराट ने हाँ दोनों ने दिल्ली की इमेज खराब करी है। ये शायद भूल गए कि दिल्ली बॉयज का रियल मीटअप एक दूसरे के कंधे पे हाथ डाल के नहीं बल्कि एक दूसरे का गला पकड़ के होता है। मोटा भाई मतलब आपने तो डिसअपॉइंट कर दिया, ये बहुत लो क्वालिटी की स्क्रिप्ट थी यार इतने बड़े मैच के लिए। नहीं आप बता सकते हो यार, अगर आपसे इतने सारे मैचेस हैंडल नहीं हो रहे तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं भी इन चीजों में काफी अच्छा हूँ। जोक मार रहे हो हंसने भाई। और ठीक है भाई, अब तो दे ही दो आरसीबी और केकेआर को उनका फेयर प्ले अवार्ड, हम तो पिछले साल की LSG वर्सेस आरसीबी के हाईलाइट से काम चला लेंगे। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता। बट ठीक है यार, ये सब तो जोक्स हो गए। ऑन अ सीरियस नोट आई वुड से अच्छा ही है भाई, मतलब ठीक है एक तरह से, भाईचारा ऑन टॉप है। यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज हो ही गया दोनों के बीच में, पहले विराट और नवीन के बीच में हुआ था और अब विराट और गंभीर के बीच में भी हो गया। अच्छा है भाई दोनों अब प्यार फैला रहे, दिल्ली के लोग इस चीज के लिए भी जाने जाते हैं। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इस साल रोहित और हार्दिक की कॉन्ट्रोवर्सी भी तो है, उससे काम चला लेंगे। अभी देखो यहाँ फील्ड पे लफड़ा नहीं हुआ तो लोगों ने दूसरी कॉन्ट्रोवर्सी बना दी, ट्विटर पे लड़ने लग गए। किस बारे में? कि भाई विराट कोहली ने स्लो खेला है। कौन कह रहा माखी उसकी झाड़े भाई, मतलब इसके बारे में बात करते हैं आगे जाके। पहले हम ये एक्नॉलेज कर लेते हैं कि आरसीबी इज बैक टू इट्स डिफॉल्ट सेटिंग्स। एक मैच जीत के फैंस को उम्मीद दे दी और फिर वापस अगला मैच हार गई। पिछले 9 मैचेस से हर मैच होम टीम जीत रही थी, लेकिन इस बार था आरसीबी का मैच उनके होम पे, और जब आरसीबी बिना खेले अपने रिकॉर्ड तोड़वा लेती है तो इस बार तो साक्षात उनके 11 के 11 प्लेयर्स फील्ड पे उतरे हुए थे, तो ये रिकॉर्ड भी कैसे ना तोड़ते। भाई कभी दोस्त धोखा दे दे कोई बात नहीं, किस्मत साथ ना दे चलता है, लेकिन आरसीबी जैसा हाल नहीं होना चाहिए। प्लेयर्स तो छोड़ो भाई, इस बार तो पिच ने धोखा दे दिया इन लोगों को। जब ये लोग बैटिंग कर रहे थे तो दुनिया की सबसे स्लोएस्ट विकेट लग रही थी, सबसे मुश्किल विकेट लग रही थी, और जब बॉलिंग करने आए तो फ्लैट विकेट बन गई। सुनील नारायण ने धो दिया था इनके बॉलर्स को भाई, पिछले 5 सालों में उसने 20 रन से ज्यादा नहीं बनाए थे इस पोजीशन पे। और इस स्लो विकेट पे जहां सारे KKR बॉलर्स कोशिश कर रहे थे स्लो बॉल डालने की ताकि आरसीबी को रन ना बनाने दे, वहां आरसीबी के बॉलर्स 150 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे थे ताकि KKR 250 की स्पीड से रन मार सके। आज जाके लगा ना भाई ये है असली आरसीबी की बॉलिंग स्ट्रेंथ, तीनों मेन बॉलर्स होम ग्राउंड पे, तीनों की इकोनॉमी 12 से ऊपर। इसी के लिए तो ऑक्शन में इतना पैसा लगाया था। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। सिराज मियां हम तो वर्ल्ड कप में आपके भरोसे बैठे हुए यार, आप तो ऐसी बॉलिंग मत करो 15 की इकोनॉमी से। मैंने तो प्रिडिक्ट किया था शायद इस सीजन पर्पल कैप जीत सकता है सिराज। अलजारी जोसेफ पे तो भाई मैं कमेंट्स भी नहीं करना चाहता, मुझे नहीं समझ में आ रहा उसको क्यों खिला रहे अभी तक। यश दयाल तो भाई आदत से मजबूर है, KKR के सामने था, पिछली बार रिंकू ने ट्रॉमा दिया था, इस बार तो एक बॉलर मार के चला गया भाई। आरसीबी फैंस को याद ही होगा कुछ सालों पहले इसी सुनील नारायण ने आरसीबी के अगेंस्ट फास्टेस्ट 50 लगाई थी 15 बॉलों में, 2017 में हुआ था ये, और आज भी ये वही जड़ी बूटी खा के आया था इनके अगेंस्ट। सुनील नारायण ने आके इनके बॉलर्स को रुलाया, दोनों अय्यर ने मैच को पार लगाया, और सॉल्ट ने बीच बीच में अपने आप को छिड़क दिया इनके घाव पे। ये कैसी शायरी बोलने लग गया हूं मैं,
कल से इंग्लिश में मैच देखूंगा भाई, ये हिंदी कमेंट्री कुछ ज्यादा ही हो गई है। अभी तो सोचो केकेआर ने इतनी सारी कैच ड्रॉप करी फिर भी आरसीबी का टोटल मुश्किल से 180 पहुंच पाया। कैप्टन श्रेयस अय्यर की भी तारीफ करनी पड़ेगी भाई, बंदे ने अच्छे बॉलिंग चेंजेस करे मैच में और एक अच्छी बैटिंग इनिंग्स भी खेली। यही चाहिए श्रेयस भाई आपको, ताकि आपको आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल पाए। बस ऐसे लगे रहो आपको मिल के रहेगा, आपकी तो गलती भी नहीं थी। और आरसीबी के लिए वही प्रॉब्लम, केजीएफ में से सिर्फ के चला, जीएफ ने फिर से धोखा दे दिया। ओहो ये लाइन कुछ ज्यादा ही रियल हो गई। नहीं क्या मतलब अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स ना डिस्कस करूं। और भाई केजीएफ की तो ऐसे हाल थी, जीपीए का तो मुझसे पूछना भी मत। अपने चीकू का ये वाला सीजन भी अच्छा जा रहा है, इस मैच में भी रन मार दिए भाई। विश्वास नहीं हो रहा कि ये बंदा 2-3 महीने के ब्रेक के बाद आ रहा है खेलने। मैं तो यहाँ ऐसी कंसिस्टेंसी देख के कन्विंस हो रहा हूँ कि इसको ओपनिंग करानी चाहिए वर्ल्ड कप में। देखो यार ये पैटर्न मैं समझ गया हूँ कोहली के अगेंस्ट, क्या करते हैं कि भाई एक इनिंग्स में जब वो अच्छा खेल लेगा और टीम जीत भी जाएगी तो बहुत सही है, सब कुछ सही है, बहुत मजा आया। लेकिन जिस मैच में टीम नहीं जीतेगी लेकिन विराट फिर भी अच्छा खेलेगा तो ये उसमें भी गलतियां ढूंढने लग जाएंगे और सिर्फ नेटपिकिंग विराट कोहली की होगी। जो 5-6 बैट्समैन नहीं चले उनके बारे में बात होती ही नहीं है। फैफ डू प्लेसी कैप्टन ऑफ आरसीबी रन नहीं बना पा रहा, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। मैक्सवेल नहीं चल पा रहा, नोबडी केयर्स। बट विराट ने 140 के स्ट्राइक रेट से रन मारे, 180 के स्ट्राइक रेट से नहीं मारे। Everybody has a problem with that. Last season ये बोल रहे थे 130 का strike rate भी slow था, अब 140 मार दिए तो भाई वो भी slow लग रहा है। और तुम बिल्कुल ये मत समझना कि मैं विराट कोहली की यहाँ पे कोई साइड ले रहा हूँ। देखो अगर मुझे क्रिटिसाइज करना होता है मैं कर देता हूँ, मैं बायस नहीं रहता हूँ। मैंने इस IPL की पहली वीडियो CSK versus RCB में ही विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर दिया था उसकी स्लो बैटिंग के लिए। बट यहाँ मुझे genuinely नहीं लगा बंदे की कोई गलती है। मैं ये मानता हूँ कि दूसरे एंड पे जब विकेट्स गिर रही होती है तो एक को टिक के खेलना ही पड़ता है, अब उस चक्कर में वो बंदा obviously स्लो रन बनाएगा। और इसीलिए जो बाकी लोग आ रहे थे वो जल्दी आउट होकर जा रहे थे लेकिन उनका विराट से ज्यादा था, बिकॉज आई थिंक उनका काम था हिटिंग करना और विराट का काम था एंड तक रुकना। लास्ट ईयर भी बंदे ने अपना रोल यही समझाया था टीम में, मारने के चक्कर में ये भी विकेट फेंक देता तो शायद 180 भी स्कोर ना पहुंच पाता। यहाँ आई थिंक कोहली को क्रिटिसाइज करने से ज्यादा केकेआर की बोलिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने जो पुल बैक की है आरसीबी की इनिंग्स भाई, कमेंडेबल वर्क। स्पेशली एंड्रे रसल की स्लो बॉलिंग, क्लूलेस थी पूरी टीम उसके अगेंस्ट। एंड आई पर्सनली थिंक जो डिफरेंस आ रहा है ना केकेआर की परफॉर्मेंस में, इसका रीजन गौती भाई है। तुम कितने जोक्स बना लो ये बंदा टैक्टिकली बहुत ब्रिलियंट है और एक टीम को बदल के रख देता है। 2 बार यूं ही प्लेऑफ्स नहीं ले गया LSG को, नारायण से ओपन करवाना, अनुकुल रॉय को यूज करके प्रेशर क्रिएट करना और रसल से बीच के ओवर्स में स्लो बॉलिंग करवाना, ये सब बहुत बड़े मास्टर स्ट्रोक्स थे कैप्टन श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर के। वेंकटेश अय्यर ने इनफैक्ट मैच के बाद खुद ही एडमिट कर दिया था कि विकेट चेंज हुई है और ज्यादा फास्टर हो गई है। तो एक बंदे को पकड़ के क्रिटिसाइज करके व्यूज लेने से अच्छा है तुम दूसरी टीम की तारीफ करो जिन्होंने एक्चुअली अच्छा खेला है। मैं यहां सरप्राइज, 2 में से 2 मैच जीत गई और अगर KKR ऐसे ही डेंजरसली खेलती रही तो वो जा रहे हैं प्लेऑफ्स। 3 matches into the season and I already think कि भाई RCB को चेंजेस से ज्यादा दुआओं की जरूरत है। भाई मान लिया अल्ज़ारी रोसा पे 12 करोड़ लगा दिए थे, बट उसको बाहर बिठाओ, अपनी ईगो साइड में रखो और लोकी फर्गसन को लेके आ जाओ। इनफैक्ट अभी इनके फैफ, कैमरन ग्रीन और मैक्सवेल तीनों ही उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं तो किसी एक को ड्रॉप करना ही पड़ेगा। मतलब कोहली इंटरिम कैप्टन नहीं, क्यों नहीं? मैं यहाँ सोच रहा था कि आवेश, रियान और DK सब तो फॉर्म में आ गए, अब किस पे जोक्स बनाऊंगा। पर फिर अपने मोहल्ले में रजत भाई आए। सीरियसली रजत भाई थोड़े से तो रन मार दो, नाम बड़े और दर्शन छोटे बन के रह गए हो आप। कुछ टाइम बाद तो आरसीबी फैंस आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे जैसा आप खेल रहे हो। बट भाई आरसीबी की सारी ट्रोलिंग एक तरफ और ये जो 25 करोड़ पानी में गए KKR के वो एक तरफ। लुट पुट गया। मिचेल स्टार्क भाई जैसी तुम परफॉर्मेंस दे रहे हो ना तुम्हें कोई 25 करोड़ का 25 रुपए भी नहीं देगा यार। तुमसे बेटर बॉलिंग तो SRK खुद आके कर ले। 8 ओवर डाले इसने IPL में और 100 रन खा चुका है। क्या मतलब गौती भाई खुद ऑस्ट्रेलिया छोड़ के आना चाहते हैं? आते हैं अब आज के मैच पे, पंजाब वर्सेस लखनऊ। देखो यार आरसीबी ने स्ट्रीक तो तोड़ दी होम पे जीतने की, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ पंजाब किंग्स के साथ। मुझे नहीं लगता लखनऊ ये मैच जीत पाएगी। आई थिंक पंजाब को यहाँ जीतना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पंजाब की टीम पसंद है, बट मैं प्रीति को खुश देखना चाहता हूँ। बट KL राहुल वर्सेस पंजाब वो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी फैंटेसी टीम इस मैच के लिए ये होने वाली है, तुम लोग अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट्स में मुझे बता देना। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर दो, टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम पे भी आ जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता।